Hello everyone, I'm Shivani and I am back with another article with lots of vocabulary and sentences. Welcome to Anant family. My channel's name is Anant English 007 and the same thing for my handle as well. So those who are new on my channel, welcome to you all. Welcome to Anant family and let's start reading this article. So this article is all about another High Court proceedings and decision which possess an important role in our life because High Court की जो proceedings होती हैं उनका significance इसलिए है क्योंकि वो एक 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 message देते हैं society को कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, कौन से rules and regulations को हमें life में adapt करना चाहिए, कहाँ correction की ज़रूरत है. इसलिए High Court और Supreme Court की जो rulings होती हैं बहुत important होती हैं एंड लोग इसकी केस स्टडीज को रेफर भी करते हैं क्योंकि कभी भी आप किसी किसी लीगल बैटल में फंसे तो आप इनके वर्डिक्स को रेफर कर सकते हैं. सो हाई कोर्ट ने बोला कोलन में हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड इंश्योरेंस. डिसेबल मतलब अक्षम, राइट? अक्षम कैन नॉट, उनको मना नहीं किया जा सकता. बी डिनाइड, डिनाइड का मतलब मना नहीं किया जा सकता इंश्योरेंस के लिए. ठीक है, ये केस स्टडी, एक केस है, एक केस चल रहा है, पेटिशन चली, उसके ऊपर इनका जो आउटकम आया है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, और सब हेडिंग कहती है कोर्ट स्लैम्स. कोर्ट ने जबरदार तरीके, स्लैम का मतलब होता है जबरदार तरीके से, शक्तिशाली प्रहार. स्लैम का मतलब प्रहार करना. तो उन्होंने बहुत तरीके से, बहुत शक्तिशाली तरीके से प्रहार किया. यूज ऑफ टर्म, टर्म एक जो टर्म का मतलब है, जो एक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक कथन यूज होते हैं किसी लॉ को एक्सप्लेन करने में, उसके ऊपर. और वो क्या है, सब स्टैंडर्ड लाइव्स. लाइव का मतलब जीवन, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है उपमानक. सो उपमानक एक वर्ड है, सब स्टैंडर्ड लाइफ. ऑल दो स्टैंडर्ड लाइफ जैसा कोई फिनोमिना होता नहीं है. अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें, कोई स्टैंडर्ड, मतलब मैं बहुत सोशलिस्ट हूँ तो मेरा, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि स्टैंडर्ड जैसा कोई लेवल नहीं होता है. हर किसी का लेवल अलग हो सकता है, पर क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हैं, तो इस तरह के टर्म्स से हमको हमको फेस ऑफ करना पड़ता है. तो सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है उपमानक जीवन, राइट? तो उन्होंने इस टर्म को बहुत स्लैम किया, मतलब इसको बहुत, तो इसके ऊपर प्रहार किया कि ये जो टर्म है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए और हम डिसेबल को बिल्कुल इंश्योरेंस दें और इसके इसके बेसिस पे आप किसी को इंश्योरेंस के लिए मना नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द वर्स द द द लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल. पीपल विद डिसेबल विद डिसेबिलिटी डिसेबिलिटीज आर एंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस कवर एंड कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अगेंस्ट कॉमा Yes, comma, Delhi High Court said, highlighting that the right to life includes the right to health. ये पैराग्राफ है, यही इसका पंच है, सबसे स्टार्टिंग वाला पंच है कि people with disability, जो अक्षम लोग हैं, वो entitled का मतलब होता है उनका जो अधिमान है, उनको पात्रता, right? जो वो पात्र है कि उनको स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले. कवर का मतलब जो पैसा मिलता है, इंश्योरेंस उसको कवर कहते हैं. एंड कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनको इस बात पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या उनके साथ भेदभाव ना किया जाए. दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड, उन्होंने कहा, हैज सेड राइट, कहा है. हाईलाइटिंग, उन्होंने इस बात पे बल दिया, हाईलाइट किया दैट द राइट टू लाइफ, जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स, जो जीवन का अधिकार है वो उसको इंक्लूड करता है अपने में, ये उसका पार्ट है. राइट टू लाइफ का पार्ट क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट? राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू हेल्थ को इंक्लूड करता है, वो उसी का ही पार्ट है. ऐसा नहीं है जीवन का अधिकार अलग है, स्वास्थ्य का अधिकार अलग है. तो आप इस बेसिस पे किसी को मना ना करें कि वो डिसेबल है, क्योंकि राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ एक ही बात है, इंक्लूडेड है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. राइट, द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ, ये इसका पंच है. इट इज अ रीसेंट ऑर्डर, अभी हाल फिलहाल में एक ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने. ऑल्सो डायरेक्ट और निर्देश दिया किसको, IRDA को. IRDA क्या है, IRDA सबसे उच्चतम संस्था है हमारे देश में जो इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस को गवर्न करती है. इसे कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है. टू रिमूव, उन्होंने निर्देश दिया रिमूव हटाने के लिए द टर्म सब स्टैंडर्ड लाइव्स, उनके जो इंश्योरेंस में टर्म यूज, क्योंकि इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट क्लेमिंग. आप जितना अच्छा दावा कर सकते हैं उतना ही अच्छा अपना इंश्योरेंस से आप इंश्योरेंस का पैसा ले सकते हैं और अपने इंश्योरेंस को खरीद भी सकते हैं. अभी हाल में एक आर्टिकल मैंने किया था, आपको शेयर भी किया था, जिसमें एक बंदे ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इंश्योरेंस का अमाउंट लेने के लिए. मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगी. तो इंश्योरेंस में इस तरह की एम्बिग्विटीज रहती हैं क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस इज अ गेम ऑफ क्लेमिंग. जितना बढ़िया आप क्लेम कर सकते हैं उतना ही अच्छा आप पैसा ले सकते हैं, ऐसा
प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है. तो वहां पे इस तरह की टर्म यूज, और इंश्योरेंस एक लॉ है तो इसलिए वहां पे एक इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं. तो उन्होंने उन्होंने कहा आप इस टर्म को हटाइए. क्या टर्म है? सब स्टैंडर्ड लाइफ, उपमानक जीवन, यूज इन द रूल्स एंड जो नियमों में लिखा गया, में यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है. एंड ऑल्सो टू इंश्योर, और ये भी पक्का करिए, सच अनएक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी इज नॉट यूज वेल रेफरिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी. और ये भी पक्का करिए, इंश्योर करिए कि किसी भी डिसेबल अक्षम को आप जब भी कोई चीज की उनके लिए इस तरह की कोई भी टर्म, इस तरह का कोई भी शब्द या कथन यूज नहीं होगा while referring to a person with disability. ठीक है, ये भी उन्होंने बोला. सो उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आते हैं. ओके, इट वॉज हियरिंग अ प्ली. वो एक याचिका को की सुनवाई हो रही थी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल का मतलब जो निवेश के प्रोफेशनल का मतलब जो व्यक्ति की जिसका रेफरेंस ले रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है, पेशेवर थे, वर्किंग विद द हेज फंड. जो हेज फंड होते हैं, जो स्टॉक मार्केट का टर्म है हेज फंड, हेज का मतलब होता है रिस्क को कम करना, फंड मतलब फंड. सो हेज फंड में डील करते हैं हु सफर्ड, जिनको झेलना पड़ा, उनको पीड़ा झेल, सफर का मतलब पीड़ा, पीड़ा झेलनी पड़ी एन इंजरी, एक चोट की वजह से 2012 में, इन 2012, एंड वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर. और सिर्फ कन्फाइंड का मतलब उसी दायरे में रह गए. किस दायरे में? टू अ व्हील चेयर ड्यू टू टेट्राप्लेजिया, एक बीमारी का नाम यहाँ पे मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, सॉरी, बट उनको ऐसा हुआ कि वो किसी तरह से व्हील चेयर तक ही रह गए. उनका जो बॉडी थी वो पैरालाइज हो गई, विच लेफ्ट हिम पैरालाइज बिलो द चेस्ट. ठीक है, चेस्ट के नीचे की बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई किसी कारणवश, किसी चोट की वजह से. व्हेन ही ट्राई टू ऑब्टेन अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और जब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की कोशिश करी, टू इंश्योरेंस का मतलब जो आपको दो टर्म यूज होती है यहाँ पे, एक है इंश्योरर जो आपको इंश्योरर दे रहा है, और दूसरे होती है इंश्योरी. ठीक है, जो आप जो इंश्योरी का मतलब जो जो खरीद रहा है इंश्योरेंस, मतलब हम लोग और जो कंपनीज है उनको कहते हैं इंश्योरर. ठीक है, सो द टू इंश्योरर्स रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट किया, मना कर दिया इट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे, इस आधार पे ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन, कि उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है हम उनको इंश्योरेंस नहीं दे सकते. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एंड पीपल विद उन्होंने कहा, जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो लोग डिसेबल हैं, अक्षम हैं, आर एंटाइटल्ड, वो इस बात के वो पात्रता रखते हैं टू हेल्थ इंश्योरेंस, कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिले, उनको स्वास्थ्य इंश्योरेंस मिले, कवर का मतलब पैसा मिले, उनको कवर दिया जाए कि जब उनको जरूरत हो तो उनको पैसा मिले. एंड कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और किसी भी तरीके के भेदभाव उनसे ना किया जाए, इसके लिए वो पात्रता रखते हैं. ये प्रतिभा सिंह जो वहां की जस्टिस है दिल्ली हाईकोर्ट की, उन्होंने कहा. ठीक है, इट इज अ सेटल्ड पोजिशन. ये सेटल का मतलब होता है तय माना गया है और लॉ ने पक्का कर दिया है. सेटल का मतलब होता है स्थिर हो जाना या फैसला, पर यहाँ पे जो लॉ के लैंग्वेज में यूज हुआ उसका मतलब है कि उन्होंने लॉ ने, इट इज सेटल्ड पोजिशन का मतलब है कि फैसला हो चुका है इन लॉ, मतलब कानून में, इन दैट द राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार इंक्लूड करता है, जोड़ता है, या उसका पार्ट है राइट टू हेल्थ, राइट, एंड हेल्थ केयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेम. और जो स्वास्थ्य हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता या स्वास्थ्य के प्रति जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेम, वो भी इसका ही हिस्सा है. अब ऐसे बोलो कि जीवन जीने का अधिकार है पर दवा लेने का अधिकार नहीं है, ये वो वाली बात है. तो आप जब आपको बीमारी है और आपको जब मेडिसिन मिलेगी तो ही तो आपका जीवन चलेगा, वो उसको रेफरेंस कर रही है. वो कह रही है कि आप जीवन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार एक ही बात है, उसका ही हिस्सा है, अलग अलग नहीं है. द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लीव्स नो एम्बिग्युटी इन सो फार, या इन सो फार का मतलब होता है अभी तक. इन सो फार जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, ये लॉ में ज्यादा यूज होता है, और इन सो फार का मतलब होता है अभी तक, राइट, जहां तक, सॉरी माय मिस्टेक, जहां तक. सो जहां तक एक्ट की बात है वो क्लियर हो चुका है कि इसमें कोई एम्बिग्युटी, कोई भी एम्बिग्युटी का मतलब होता है क्लैरिटी, मतलब साफ साफ तौर पे. तो उन्होंने बोला कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लीव्स नहीं छोड़ता कोई भी
कोई भी एम्बिगुइटी का मतलब है कि धुंधलापन, राइट, नॉट क्लैरिटी. तो उसका मतलब वो कह रही है कि इस एक्ट से क्लैरिटी आ चुकी है कि जो भी डिसेबल है उसे आप, सॉरी मिस्टेक, क्या लिखा है, लीव्स नो एम्बिगुइटी इन सो फार एज द एंटाइटलमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर इंश्योरेंस. हाँ, उन्होंने कहा कि ये क्लियर हो चुका है कि आप जो भी डिसेबल हैं, जो अक्षम हैं, उनको आप इंश्योरेंस दीजिए, ये ऑलरेडी तय पाया गया है. और ऐसी उन्होंने बोला, एम्बिगिटी का मतलब है किसी भी तरीके का अस्पष्टता, जो ये वर्ड मैं लिख देती हूँ, एम्बिगिटी, एम्बिगिटी मतलब अस्पष्ट. ये स्पष्ट, ये अस्पष्ट नहीं रह गया है कि आप किसी भी डिसेबल को इंश्योरेंस ना दें, ये लॉ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसका मतलब. और ये एक्ट का ना, एक्ट का ईयर बताया गया है, दैट इज 2016, ऐसा उसमें रूलिंग हुई होगी. सॉरी माय मिस्टेक, एक्ट रेफर कर रही है 2016 का. इंसोफर का मतलब होता है जहां तक, इंसोफर का मतलब है जहां तक. नाउ अ रिफ्यूजल, अ रिफ्यूजल मतलब मना करना. अ रिफ्यूजल ऑफ सेक्शन 325 एंड 26 मेक्स इट क्लियर दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सो फार एज हेल्थ केयर एंड अदर कनेक्टेड एस्पेक्ट्स आर कंसर्न. हाई कोर्ट नोटेड, वो सेम बात कह रही है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का डिनायल, किसी भी तरीके का रिफ्यूजल नहीं होना चाहिए डिसेबल्स के साथ. उनको इंश्योरेंस आप दीजिए. फिर वो कह रही है अपोस्ट्रॉफी में, डबल अपोस्ट्रॉफी है, तो एक स्टेटमेंट है कि IRDA शैल कॉल अ मीटिंग. IRDA एक मीटिंग कॉल करेगा ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी, सभी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, बीमा कंपनियों के साथ, टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद है इंश्योरेंस के, आर डिजाइन, इस तरह उनको डिजाइन किया जाए, इस तरह उनको उनको बनाया जाए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड अदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेटेड जून 2020. एक सर्कुलर, मैंने बोला ना कि पहले प्रोसीडिंग हो चुकी है, तो उसी की सर्कुलर का नोटिफिकेशन है. जो नियम, सर्कुलर का मतलब होता है जो भी डिस्कशन होता है उसे सर्कुलर के तहत लोगों में फ्लोट किया जाता है. तो 2 जून 2020 का एक सर्कुलर है, उसके तहत IRDA एक मीटिंग बुलाएगा और इस तरह के उनके उत्पादों का, उनके बीमा के जो उत्पाद हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको डिजाइन करेगा, फ्रेम करेगा या बनाएगा जो डिसेबल अक्षम लोगों के लिए और इस तरह के एंड अदर पर्सन और दूसरों के लिए बनाए जा सकते हैं, कस्टमाइज किए जा सकते हैं. ठीक है, द पर्सन ऑफ डिजाइनिंग सच प्रोडक्ट शैल बी सुपरवाइज बाय IRDA. और जो भी व्यक्ति इस तरह की पॉलिसीज, माई मिस्टेक, इस तरह के प्रोडक्ट्स या उत्पादों को या उनकी जो पॉलिसीज के उत्पाद है उनको बनाएगा, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, उसको हेड कौन करेगा, IRDA के ही लोग हेड करेंगे, बिकॉज IRDA को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. इट शैल बी इंश्योर्ड दैट, ये पक्का होगा, करा जाएगा, दैट दैट सेड प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन एन अर्ली डेट, प्रेफरेबली विद इन 2 मंथ्स, द कोर्ट डायरेक्टेड. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी और जो भी नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस का मतलब लाए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे, वो उनका वो जल्दी से जल्दी होगा. और कितनी जल्दी, विद 2 महीने के अंदर. द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस बात को इररिस्पेक्टिव, इसका कोई मतलब नहीं है, इररिस्पेक्ट मतलब उसको ना ध्यान में देते हुए कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उसकी उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो अक्षम है, इंश्योरेंस कवरेज कैन नॉट बी रिजेक्टेड और रिफ्यूज. जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको रिफ्यूज, जो कवरेज है उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो. दिस कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, उन्होंने ये भी कहा, ये जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, इस बात की ओपिनियन रखता है, इस बात की उनकी सोच ऐसी रखता है, उन्होंने अपने कोर्ट को रेफर करते हुए कहा, दैट देर इज नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी वुड बी इंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एंड प्रोडक्ट्स वुड हैव टू बी डिजाइन टू इनेबल देम टू ऑप्टेन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, जस्टिस सिंह ऑब्जर्व. ये सेम बात वो कह रही है, वो सेम पैराग्राफ यहाँ पे है कि नो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्षम लोग, इंटाइटल का मतलब होता है पात्रता रखते हैं कि उनको स्वास्थ्य इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, जिनसे उनको कवरेज मिले, जो पैसे का कवर होता है वो मिले, जो बीमा का अल्टीमेट टारगेट है, एंड प्रोडक्ट्स और जो उत्पाद है वो भी वुड हैव टू बी डिजाइन, उनकी तरह इस तरह डिजाइन किए जाने चाहिए, टू इनेबल मतलब सक्षम बनाना. डिसेबल का ऑपोजिट होता है इनेबल, ठीक है, इनेबल का मतलब हुआ उनको सक्षम बनाइए, आप ऐसे नहीं, ऐसे उत्पाद बनाइए कि वो सक्षम फील करें, ना कि उनको, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करिए, ये कोर्ट कह रहा है.
तो आप उन्हें सक्षम करिए देम टू ऑप्टेन हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे वो स्वास्थ्य बीमा ले सके और कवरेज भी ले सके, और जस्टिस ने ऐसा कहा। लास्ट पैराग्राफ, रिफ्यूजल और टू इश्यू अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द पेटिशनर ऑट टू हैव बीन अ वार्निंग बेल टू IRDA। उन्होंने कहा कि जो डिनायल, जो मना किया गया हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ बीमा देने के लिए, इश्यू करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी टू द पेटिशनर, याचिक जो याचिका दायर करने वाले व्यक्ति हैं, ऑट टू, ऑट का मतलब होता है शुड, सॉरी माई मिस्टेक, ऑट का मतलब होता है चाहिए, पर ऑट का जो वर्ड है वो एक डायरेक्शन की तरह यूज होता है। शुड जो हम यूज करते हैं, एक्चुअली शुड और ऑट दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन शुड का, दोनों का मतलब चाहिए है, लेकिन शुड का यूज हमेशा नॉर्मल लैंग्वेज में हम करते हैं चाहिए, बट ऑट का मतलब होता है कोई किसी को निर्देश दे रहा है, वहां चाहिए का यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली कोर्ट जो है, न्यायालय यहाँ पे निर्देश दे रहा है, इसलिए ऑट वर्ड को, ऑट वर्ब को यूज किया गया है। ought to have been a warning bell to IRDA, जो ये मना कर दिया गया कि उनको उनको पॉलिसी नहीं, जो जो रेफर कर रही है कि जो मना किया गया वो एक वार्निंग बेल है IRDA के लिए, एक वार्निंग बेल है कि कोई एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, डिस्पाइट का मतलब, डिस्पाइट का मतलब हुआ इसके बावजूद, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद द अबव सेटल्ड लीगल पोजीशन एंड द IRDA पोजीशन आर ऑन रिकॉर्ड, देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन इम्प्लीमेंटेशन एंड टाइमलाइन। उन्होंने कहा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लॉ में साफ साफ कहा गया है कि आप ऐसा मत करिए। सेटल का मतलब तय पाया गया है, लॉ क्लियर कर चुका है कि ऐसे भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है डिसेबल्स के साथ, फिर भी आपके इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उस काम को एग्जीक्यूट करना, काम करने के तरीके में और रिकॉर्ड में बहुत फर्क है। डिस्कनेक्ट का मतलब है कि बेमेल है, आपस में अलगाव है। तो जो आप काम कर रहे हैं और जैसे नियम बनाए गए हैं, जो लॉ कहता है, उसमें और आपके काम करने में एक डिस्कनेक्शन है, कोई भी कोई समा में कोई एक तरीके की बात नहीं है, अलगाव है, बेमेल है, राइट। सो दैट वॉज द जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल। अब ये पढ़ लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा है। इट इज सेटल्ड मतलब तय पाया गया है, सेटल मतलब या लॉ ने पक्का कर दिया है, ये पोजिशन वो जगह इन लॉ कानून में, दैट द राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, इंक्लूड करता है, अपने में समामेलित करता है, जोड़ता है राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य के अधिकार को भी, एंड हेल्थ केयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेम। और हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य की, जो केयर का मतलब है केयर, ध्यान देना, सेवाएं प्रदान करना, जो हेल्थ केयर है, जो मतलब इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर की बात यहाँ हो रही है, बिकॉज IRDA की बात हो रही है, एंड हेल्थ केयर इज एन इंटीग्रल पार्ट, उसी का अंतर्निहित पार्ट है, किसका, इज द सेम, किसका, राइट टू लाइफ का। वैसे भी आप आजकल देख रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी, मिस्टेक, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। प्राइवेसी को लेके बहुत इशू चल रहा है। अभी पिछले एक आर्टिकल में मैंने डिस्कशन किया था कि जहाँ पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गलत साबित करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया, तो वहां पे कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी एक एक राइट है, आप किसी को थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उस तरह राइट टू लाइफ भी, राइट टू लाइफ तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके आधार पे आप किसी को चैलेंज करें, आप किसी डिसेबल को चैलेंज करें, लॉ इसको नहीं मानता, और इसलिए इतने बड़े बड़े लॉ एक्ट बनाए गए हैं। सो दैट वॉज अ क्लियर वर्डिक्ट बाय द हाई कोर्ट, न्यू दिल्ली हाई कोर्ट टू IRDA। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट गोज। सो हमें बहुत सारे टर्म्स इस आर्टिकल से मिले। पहला मिला एम्बिग्यूटी, अस्पष्ट तौर से, इनसोफर का मतलब होता है जहां तक, शुड सॉरी ऑट यूज, ऑट एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब शुड, जिसका मतलब चाहिए होता है, बट ये एक निर्देश की तरह यूज होता है, इसलिए ऑट को यहाँ यूज किया कोर्ट ने अपनी लैंग्वेज में। डिसेबल का मतलब आपको पता है अक्षम, और इनेबल का मतलब होता है सक्षम, और that's it. All right, I hope this article is useful to you. आपको इसकी जो essence है, जो मेरा effort है इस article को explain करने का, वो आपको समझ आया होगा, because it is my personal opinion that if you really want to speak well, so you need to learn more as well. जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, समझेंगे, explain, आप अपनी को exposure देंगे, उतना ज़्यादा आपका spoken language और आपकी जो भी language में आप बात करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा polish होगी। और आजकल का ज़माना तो knowledge का ज़माना है, बहुत सारी information हमारे पास रहती है, हम रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्यों ना सही तरीके से पढ़ा जाए। दैट इज द रीजन आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, एंड दैट इज अ मेन यू नो एम और टारगेट ऑफ बिहाइंड दिस चैनल। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि मेरा, मैंने ये स्लोगन है नहीं, पता नहीं कहाँ से आया, मैं आपसे कह रही हूँ दैट आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। सो कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट मी बैक। हैव अ लवली डे।